हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है, जस्ट उठी हूँ, फ्रेश वगैरह होकर आई हूँ, और आते ही जो मेरा पहला काम होता है वो घर की जो है विंडो वगैरह खोल देना होता है। तो जो आज का व्लॉग है ना, वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना किचन क्लीनिंग रूटीन, मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको मोटिवेट करूं अपने घर को क्लीन रखने की, अपने किचन को अच्छे से मतलब मैनेज करने की। तो आज की इस वीडियो में आप सबको जो है ना काफ़ी सारी जो है मोटिवेशनल क्लीनिंग देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। तो मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो होती है थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म वाटर पीने से, वो भी अपने प्लांट्स के पास। जब तक मैं अपने प्लांट्स के पास ना बैठूँ ना, मेरा दिन अधूरा रहता है। उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा जो मिल्क वगैरह मंगाया होता है वो लेने, और पैकेट को जो है वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मॉर्निंग के काम स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मतलब डुगू को स्कूल भेजने की जो भी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट मैं करती हूँ। बट उससे पहले जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है ना, वो मैं लगा लेती हूँ। तो मेरी एक व्यूवर ने ही मुझे कमेंट किया था, मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर किया है, कि आप ना उल्टी झाड़ू मत लगाया किया कीजिएगा, जो मॉर्निंग वाली होती है फिर चाहे लगा लीजिए, बट मॉर्निंग वाली झाड़ू हमेशा अंदर से बाहर की तरफ ही लगाया कीजिएगा। तो तब से मैं अपनी जो मॉर्निंग मतलब सुबह वाली झाड़ू होती है ना, जो घर को ताज़ा करना बोलते हैं, वो मैं अंदर से बाहर की तरफ ही लगाती हूँ। उसके बाद हैंड वॉश किए और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर डुगू का लंच बनाने के लिए। तो रात में ही डिसाइड हो गया था कि उसको आज मैं बैंगन का भरता और पराठा देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बैंगन का भरता है ना, वो बॉईल करके बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना, तो काफ़ी जल्दी बन जाता है और इजी भी रहता है। तो जब तक बैंगन बॉईल होंगे तब तक मैं प्लांट्स में पानी दे रही हूँ। अभी जो है ना इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी होने लगी है, बारिश ना यहाँ आई थिंक 15 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो प्लांट्स ना रात रात में ही काफ़ी जो है ना सूख जाते हैं, मुरझाए मुरझाए से हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स में मैं यहाँ पर पानी दे रही हूँ, और पानी देने के बाद हम फिर से जो है किचन में चलेंगे अपने जो है लंच की तैयारी करने के लिए। तो आप लंच बोल लीजिए या मतलब ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, उसको मैं दोनों मतलब ब्रेकफास्ट और लंच उसका एक ही होता है। तो यहाँ पर जो बैंगन बॉईल हो रहे थे, अभी विसल नहीं आई थी कुकर में, और यहाँ पर मैं टमाटर प्याज वगैरह काट रही हूँ उसके लिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, बट फिर मैंने जो है ना अपने जो चॉपिंग बोर्ड है उस पर ही बारीक बारीक दोनों वेजिटेबल को चॉप कर लिया था। और ये जो मेरा ये वाला कुकर है ना, इसके लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से ब्रांड का है, कितने लीटर का है और कहाँ से लिया है। तो ये मेरा 1.5 लीटर का कुकर है, मैंने अमेज़न से लिया है, और इसको लिए हुए ना आई थिंक हाँ जब दिवित छोटा ही था, मतलब डुगू छोटा ही था, तभी मैंने ये परचेज़ किया था उसका खाना बनाने के लिए। काफ़ी अच्छा है ये, मतलब डुगू भी 6 साल का हो चुका है, तो तब से मतलब ठीक चल रहा है, मुझे अभी तक मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है, टचवुड ये ठीक ठाक ही चलता रहे। और बस साथ ही साथ मैंने आटा भी लगा दिया था। अभी यहाँ पर बैंगन की भरते की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो इस पैन में, स्टील वाले पैन में मैं जो है बैंगन का भरता बना रही हूँ। मैंने जो देसी तेल है वो डाला है, उसमें जो प्याज कट की थी उसको अच्छे से भून लिया है, और प्याज के भुनने के बाद मैंने इसमें जो है टमाटर वगैरह ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा नमक ऐड किया था जिससे कि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। वो क्लिप पता नहीं कहाँ पर चली गई। और बैंगन के भरते ना थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर का पाउडर भी ऐड किया है। अब देखिए मसाला जो है ना काफ़ी अच्छे से यहाँ पर भुन चुका था, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके थे, और अभी मैं इसमें जो बैंगन मैंने बॉईल किए थे ना वो डाल दिए हैं। तो मतलब कुछ लोग जो टमाटर वगैरह ये बैंगन वगैरह को जो है ना गैस पर भूनकर भी बनाते हैं,
बट मुझे ना उस तरह से पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए सबका अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे बैंगन का भरता इसी तरह से बना हुआ अच्छा लगता है। वैसे तो मतलब मुझे बैंगन का भरता बहुत कम पसंद है, बट मतलब कहते हैं ना बच्चों को हर सब्जी खिलानी चाहिए, तो इसलिए मैं डुगो कोशिश करती हूँ कि सारी सब्जियाँ मैं उसको खिलाऊँ। और शायद मैं उसे फर्स्ट टाइम स्कूल में बैंगन का भरता दे रही थी। मॉर्निंग के टाइम में थोड़ी जल्दी रहती है ना, तो मैंने क्या किया कि एक बर्नर पर मैंने बैंगन का भरता रख दिया है बिल्कुल गैस स्लो करके, और दूसरी साइड में पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बीच बीच में भरता भी चला रही हूँ और पराठे भी बन रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना थोड़ा जल्दी रहता है। और मुझे ना हाँ अभी एक कमेंट याद आया, मेरे एक प्यारे से व्यूअर ने पूछा था कि दीदी आपके जो ये स्टील के यूटेंसिल हैं ना जितने भी, ये इतने चमकते क्यों हैं, कुछ टिप्स दीजिए। तो टिप्स तो मैं क्या बताऊँ, पर मतलब जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी जब आप खाना बनाए ना अपना, तो कभी भी फ्लेम जो है ना हाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम में खाना बनाएंगे ना, तो आपका जो बर्तन है चाहे वो स्टील का हो, आयरन का हो, या किसी भी चीज़ का हो, वो जल जाता है। तो मैं हमेशा जो कुकिंग करती हूँ ना, वो लो टू मीडियम फ्लेम पर करती हूँ, तो इसलिए मेरे बर्तन जलते नहीं हैं, और जब वो जलेंगे नहीं तो वो अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। क्लीनिंग के लिए मैं जो स्कॉच ब्राइट का ग्रीन वाला स्क्रबर आता है ना, उसे यूज़ करती हूँ, उससे बर्तन जो है ना काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा, तो आप भी आगे से ये दो चीज़ जो है फॉलो कर सकते हैं, स्क्रब अच्छा लीजिए और जो कुकिंग है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर कीजिए। तो अभी देखिए बस मैंने डुगु का जो है ना लंच भी पैक कर दिया था, वो गया था शार लेने, और साथ ही साथ जो है मैंने आपसे जैसे बताया कि मैं आज आपके साथ अपनी मॉर्निंग किचन क्लीनिंग जो है शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से करती हूँ वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, डुगु का लंच मैंने बनाया, अभी वो नहाने गया है, तो मैं इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। जैसे काउंटर टॉप मॉर्निंग के टाइम पर काफ़ी फैल जाता है, तो चीज़ों को मैं थोड़ा सा समेटना स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी तो मतलब डुगु नहा रहा है, तो इसलिए बस छोटा छोटा काम ही किया है, जैसे कि सब्जी मैंने पलट कर दूसरे कंटेनर में करके रख दिया है, फ्राई पैन को वॉश होने के लिए डाल दूँगी। और मोस्टली जो है ना मैं मिल्क डुगु के स्कूल जाने से पहले ही बॉईल कर देती हूँ, तो अभी भी बस मैंने जो है ना दूध यहाँ पर बॉईल होने के लिए रखा था, बट हुआ क्या, मैंने स्लो गैस मैंने की थी, बट डुगु को रेडी करके मैं जैसे ही आई ना, तो देखा तो आज जो दूध था ना वो फट चुका था। तो तब तो मुझे दिवित को छोड़ने जाना था बस तक, तो मैं गैस को बंद कर गई थी। अभी उसको स्कूल छोड़ कर आई हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले तो अपने लिए चाय बना रही हूँ, और दूसरी साइड में यहाँ पर जो दूध फट गया था ना उसका यहाँ पर पनीर बना लूँगी। तो एक साइड मेरी चाय बन रही है, क्योंकि इस टाइम तक जो है ना मतलब इतनी ज़ोर से भूख लगने लगती है मुझे, तो आते ही चाय बनाती हूँ, और किसी दिन जैसे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होता है तो मैं चाय पहले ही बनाकर चली जाती हूँ अपनी, बट आज नहीं था तो चाय अभी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पनीर भी बनकर रेडी हो गया था, और ये पनीर ना सच में इतना टेस्टी बना था ना, इतना मतलब मीठा था कि मार्केट वाला पनीर फेल हो रहा था इसके सामने। तो मैं ना सोच रही थी कि अब ना जो हम पैकेट वाला पनीर मंगाते हैं उसे मैं बंद करूंगी और घर पर ही खुद से बनाया करूंगी, क्योंकि देखिए 1 किलो का ये पैकेट था और इसमें मेरा 200 ग्राम पनीर इजीली बन गया था, और ये पैकेट आता है 70 रुपीज़ का, और अगर आप जो पनीर का पैकेट मंगाते हैं ना वो शायद अब तो कॉस्टली होगा, 80 रुपीज़ का आता है। तो मतलब वैसे भी ठीक है, बजट के हिसाब से भी आपको जो है ना कम पैसे देने पड़ेंगे और आपको उतना ही पनीर मिल रहा है, तो मैं आगे यही सोच रही हूँ। तो पनीर बना लिया था, अभी चाय वगैरह जो है ना हो गई थी मेरी, तो अब जो है मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे मेरा जो एक दिन पहले का दूध होता है ना बॉईल हुआ, उसकी मलाई यहाँ पर उतार लेती हूँ, जो दूध एक्स्ट्रा होता है वो किसी और बर्तन में पलट कर फ्रिज में रख देती हूँ, और जो भगोना होता है ना उसको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। अभी जो है मैं काउंटर टॉप से पहले अपने यूटेंसिल क्लीन करती हूँ, काउंटर टॉप में बाद में क्लीन करती हूँ। तो जो बर्तन थे रात के धुले हुए, उनको उनके प्लेस पर लगा दिया है,
साथ ही साथ शुगर ख़त्म हो गई थी तो उसको भी जो है ना मैं यहाँ पर रिफ़िल कर दूँगी। और जो मतलब काम मुझे याद आते रहते हैं ना, मैं हाथ के हाथ उनको करते चलती हूँ, जिससे कि आगे के लिए कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। और यहाँ पर ना पनीर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया था। इसको ना मैं मतलब स्मेल करके देख रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया, इतना अच्छा टेस्ट लग रहा था ना इसका। हस्बैंड को भी टेस्ट कराया तो वो भी कह रहे थे कि हाँ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी बस मैं यहाँ पर यूटेंसिल क्लीन करने लगी थी, और यूटेंसिल क्लीन करते करते जो है ना मैं अपने काम करती रहती हूँ। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, जैसे वॉशिंग मशीन के कपड़ों में फैब्रिक वगैरह, जो फैब्रिक कंडीशनर होता है वो डाल देती हूँ, तो इस तरह से जो है ना मेरे काम चलते रहते हैं। तो आज जो मैं ये रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, इसे आप कह सकते हैं मतलब वीक में मतलब 2 से 3 दिन बाद मुझे इस तरह से जो है अपने किचन की क्लीनिंग मैं करती ही करती हूँ। आप समझ लीजिए वीक में 2 बार मेरी किचन की क्लीनिंग इस तरह से होती ही है। तो अभी तो मतलब बेसिक काम यहाँ पर चल रहे हैं, जो मतलब से यूटेंसिल क्लीन करना, काउंटर टॉप क्लीन करना, जो मैं वीक में 2 बार काम करती हूँ वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। अभी यूटेंसिल क्लीन हो गए थे तो मुझे काउंटर टॉप और गैस स्टोव को क्लीन करना था, और मेरा जो क्लीनर था वो हो चुका था ख़त्म। और ये मैंने पता नहीं कितनी बार अपनी वीडियो में शेयर किया, बट फिर भी एक आध क्वेश्चन ना आ ही जाता है किसी ना किसी वीडियो के नीचे कि आप ये क्लीनर कैसे बनाते हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ, आधा ग्लास मैंने लिया है ये टॉप्स का जो वाइट विनेगर आता है वो, उसी ग्लास से 1 गिलास पानी लिया है। और हाँ, मेरे पास कमेंट भी आया था कि आप अपने बर्तनों को कौन से लिक्विड से क्लीन करती हैं, तो ये सेव मोर करके है कोई, और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था, अच्छा लगता है मुझे। तो थोड़ी सी 1 स्पून जो है ना मैंने इसकी इसमें डाल दी है, तो इसका कलर ग्रीन है तो इसलिए ये भी जो है ना थोड़ा हल्का सा ग्रीन कलर का हो जाता है मेरा जो ये DIY सॉल्यूशन होता है। ये रेडी हो चुका है और अब बस किचन की क्लीनिंग मैं करूँगी। इससे मैं टाइल्स, चिमनी और कैबिनेट वगैरह सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ, ये सब चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मेरे पास क्वेश्चन भी आया था कि दीदी इससे जो काउंटर टॉप है ब्लैक कलर का वो मतलब वाइट तो नहीं होता, तो देखिए मैं ना इसको शायद 3 साल हो चुके हैं यूज़ करते करते, मुझे तो अभी तक जो है ना ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। यूटेंसिल क्लीन हो जाने के बाद मेरा काम जो है होता है अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने का, और काउंटर टॉप को जो है ना मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग क्लीन करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ शायद पिछली वीडियो में शेयर किया था, मैंने सारे नीचे के जो बॉक्स वगैरह है ना वो अच्छे से क्लीन कर लिए थे, तो इनकी आज मुझे ज़रूरत नहीं थी क्लीन करने की। आज जो ऊपर वाली कैबिनेट थी ना मुझे उनको क्लीन करना था, वो भी ज़्यादा गंदी नहीं थी, बट मैं वीक में 2 बार उन पर कपड़ा लगा ही देती हूँ क्योंकि उन पर ना हाथों के निशान बहुत दिखाई देते हैं। और नीचे वाली कैबिनेट भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, आज इसी वाले सॉल्यूशन से क्लीन कर रही हूँ। तो मतलब पहले मैंने एक गीले कपड़े मतलब जो सॉल्यूशन वाला कपड़ा था उससे क्लीन किया, और फिर मैंने एक सूखे कपड़े से क्लीन किया था। तो उस साइड जिस साइड मेरा स्टोव रखा रहता है ना वो सारा साइड क्लीन हो गया है। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना सिंक तब क्लीन करती हूँ जब किचन पूरी क्लीन हो जाती है, क्योंकि बार बार कपड़े को वॉश करना पड़ता है ना, तो सिंक फिर वॉश किया हुआ ना मतलब उस पर अजीब से दाग आ जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जब सारी किचन मतलब मेरा काम ख़त्म हो जाता है ना तब भी सिंक को क्लीन करती हूँ। और अभी देखिए बस यहाँ पर मैंने सिंक वगैरह भी वॉश कर दिया है। अब जो ये 2 कपड़े मैं किचन में यूज़ करती हूँ इनको वॉश करके मैं डाल दूँगी। वीक में मैं 2 बार इनको भी अच्छे से उबलते पानी में भिगोती हूँ, मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है। मैंने ये कल ही वॉश किए थे गर्म पानी में भिगाकर, तो इसलिए आज बस पानी से क्लीन करके धूप में डाल देती हूँ, और ये अच्छे से जो है ना जब तक दोपहर में मतलब रीयूज़ होते हैं तब तक अच्छे से ये सूख जाते हैं। तो इधर वाली कैबिनेट भी मैंने क्लीन कर ली है, और आज फ्रिज को ऊपर से क्लीन करने का भी नंबर था।
आगे से तो और साइड से तो मैं डेली ही फ्रिज को क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस पर हाथ इतने लगते हैं ना, आपके घर में जब बच्चे और आपके हस्बैंड होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हाथ लगते हैं। बट ऊपर से ना ये क्योंकि काफ़ी हाइट है फ्रिज की, देखिए मेरी हाइट से भी ज़्यादा है, तो ये ना मतलब डेली डेली पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज मैंने इसको स्टूल रख के ऊपर से भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। किचन की सारी क्लीनिंग हो गई थी और लास्ट में बस आता है झाड़ू पोछा। तो झाड़ू तो किचन में मेरी सबसे एंड में लगती है। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला था कि मॉर्निंग वाली जो झाड़ू है वो मैं अंदर से बाहर की साइड लगाती हूँ, बट इस टाइम तक जो है ना, जो मेन गेट है हमारा, वहाँ क्लीनिंग हो जाती है जो सोसाइटी की तरफ से होती है। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप अपने घर का कूड़ा बाहर डालें, क्योंकि चाहे कितना भी उठा लीजिए बट थोड़ा बहुत तो जाता ही है। तो इसलिए मैं इस टाइम जो है ना अपनी जो झाड़ू है वो बालकनी तक ले जाती हूँ, किचन वाली तक, और बस उसके बाद मैं लगाती हूँ पोछा। बालकनी वगैरह में भी अच्छे से लगा देती हूँ और किचन में भी जो है ना काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैं डेली पोछा लगाती हूँ, और कभी कभी तो मैं इसको वॉश भी कर देती हूँ। कई बार आपके साथ शेयर किया है। किचन में ना रगड़ कर जो पोछा है वो इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि किचन में ना मतलब कुछ ना कुछ चीज़ नीचे गिर ही जाती है, बच्चा होता है तो उसके हाथ से, कभी आपके हाथ से भी, तो इसलिए वो चीज़ें फिर यहाँ पर दाग धब्बे जम जाते हैं। तो थोड़ा सा रगड़ कर मोपिंग करनी पड़ती है। और पोछा सूख जाने के बाद मेरा काम होता है ये मैट डालनी, एक रनर है ये और दूसरा मैट। जब अच्छे से पोछा सूख जाता है मैं ये तब डालती हूँ, एंड फाइनल रिजल्ट ये है मेरे किचन का, जिसको देख कर ना मुझे बहुत तसल्ली होती है, बहुत सुकून मिलता है जब किचन पूरी नीट एंड क्लीन होती है। तो गाइज ये था मेरा रूटीन कि मैं किस तरह से अपनी किचन को क्लीन रखती हूँ। और ये ना अवन पे मेरे भगवान जी के कपड़े रखे हैं, ये मुझे वॉश करने हैं, अभी टाइम नहीं है, नहाने के बाद इनको वॉश करूँगी। तो बस किचन का पूरा लुक इस तरह है। आई होप आज की जो वीडियो है ना आपको अच्छी लगी होगी, आपको मैंने मोटिवेट किया होगा अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। और जब आप कमेंट करते हैं ना कि हम आपसे मोटिवेट होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ। आई होप आप सबको अगला वाला व्लॉग भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।